हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजीव और आप देख रहे हैं लीगल अड्डा चैनल। दोस्तों आज की स्टूडियो में आपके लिए अपडेट है हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश की तरफ से, तो बने रहिए स्टूडियो में मेरे साथ। दोस्तों हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश की तरफ से 10 वैकेंसियां निकाली गई हैं कोर्ट मास्टर और पर्सनल सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए, और इन सभी वैकेंसियों के लिए जो नोटिफिकेशन निकाली गई है उसका एडवर्टाइजमेंट नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हो। यहाँ सबसे पहले बात करें इन सभी वैकेंसियों पे कैंडिडेट की सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो यहाँ सबसे पहले कैंडिडेट का इंग्लिश का शॉर्ट हैंड का टेस्ट लिया जाएगा, जिसकी जो स्पीड मांगी गई है वो 180 वर्ड पर मिनट मांगी गई है, और जिसके लिए जो टाइम ड्यूरेशन रखा गया है वो 3 मिनट का रखा गया है। दूसरा टेस्ट जो यहाँ पे होगा उसमें इंग्लिश शॉर्ट हैंड की जो स्पीड मांगी गई है वो 150 वर्ड पर मिनट मांगी गई है, जिसके लिए जो टाइम ड्यूरेशन दिया गया है वो 4 मिनट का दिया गया है। उसके अलावा ट्रांसक्रिप्शन भी करनी होगी जो कि कंप्यूटर पे होगी, जिसके लिए 40 और 45 मिनट रिस्पेक्टिवली रखे गए हैं दोनों ही अलग अलग ट्रांसक्रिप्शन के टेस्ट के लिए। आपके जो दोनों इंग्लिश के शॉर्ट हैंड के टाइपिंग टेस्ट होंगे, जिसमें कि 180 वर्ड पर मिनट और 150 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगी गई है, ये दोनों ही टेस्ट 100 नंबर के होंगे, और उसके बाद कैंडिडेट का 20 नंबर का इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा, और इन सभी स्टेजेस के एग्जाम के बाद ही कैंडिडेट का इन सभी 10 वैकेंसियों पे फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। इन सभी 10 वैकेंसियों पे जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाएंगे उन सबका जो पे स्केल रहेगा उसकी डिटेल भी इन्होंने यहाँ पे बता रखी है, जो कि हम स्क्रीन पर देख सकते हो। आफ्टर सिलेक्शन इसी पे स्केल के अकॉर्डिंग कैंडिडेट को सैलरी जो है वो दी जाएगी, और इस नोटिफिकेशन में जो भी वैकेंसियां निकाली गई हैं कोर्ट मास्टर की और पर्सनल सेक्रेटरी की, इन सभी 10 वैकेंसियों को अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग बांटा हुआ है, जिसकी डिटेल आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि कौन सी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए कुल कितनी वैकेंसियां रखी गई हैं। अब बात करें यहाँ पे आपके क्वालिफिकेशन के बारे में, तो इन सभी वैकेंसियों पे वो सभी कैंडिडेट जिन्होंने डिग्री कर रखी हो साइंस आर्ट्स कॉमर्स या लॉ की, और यहाँ की क्वालिफिकेशन का कुछ क्राइटेरिया और भी बता रखा है, जिसकी डिटेल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो जो भी कैंडिडेट ये सारा क्राइटेरिया मीट करता होगा वो इन सभी 10 वैकेंसियों को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल माना जाएगा। अब बात करें यहाँ पे आपकी एज लिमिट के बारे में, तो इन सभी वैकेंसियों पे जो मिनिमम एज लिमिट रखी गई है वो 18 साल रखी गई है। मैक्सिमम एज लिमिट जो रखी गई है एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए वो 52 साल रखी गई है, और बीसी कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट इन पोस्ट को अप्लाई करेंगे उन सब के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है वो 47 साल रखी गई है। और आपकी मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट को चेक करने के लिए जो क्रूशियल डेट यहाँ पे रहेगी वो 1/1/2022 रखी गई है। अब बात करें इसमें आपकी एप्लीकेशन फीस के बारे में, तो बीसी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए जो एप्लीकेशन फीस रखी गई है वो 1000 रुपए रखी गई है। एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए जो फीस रखी गई है वो 500 रुपए रखी गई है। आपकी जो ये फीस पेमेंट होगी ये थ्रू डीडी की जाएगी। डीडी जो बनेगा वो इन फेवर ऑफ रजिस्ट्रार एडमिनिस्ट्रेशन हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, इस नाम से बनेगा, और इस डीडी के रिगार्डिंग जो भी बैंक डिटेल है वो भी इन्होंने यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में बता रखी है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इन्हीं डिटेल्स के अकॉर्डिंग कैंडिडेट को अपनी एग्जामिनेशन फीस का डीडी जो है वो तैयार करके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सबमिट करना होगा। इस नोटिफिकेशन में इन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी डाली हुई है, कैंडिडेट को ये सभी डॉक्यूमेंट सेल्फ अटैच करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके इनको इनके बताए गए पते पर जो है वो सबमिट कराने होंगे। अब बात करें यहाँ पे आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, तो इन सभी वैकेंसियों पे जो एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे वो ऑफलाइन मोड से भरे जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म 27/6/2022 से शुरू हो चुके हैं, और जो भी कैंडिडेट इन पोस्ट को अप्लाई करने वाले हैं वो 25/7/2022 तक इन सभी 10 वैकेंसियों के लिए ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन में इन्होंने आपका एप्लीकेशन फॉर्म का परफॉर्मा भी डाला हुआ है, जो भी कैंडिडेट इन पोस्ट को अप्लाई करना चाह रहे हैं वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, और इस नोटिफिकेशन में आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म का परफॉर्मा मिल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ कैंडिडेट को बाकी सारे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट, एग्जामिनेशन फीस का डिमांड ड्राफ्ट और एक सेल्फ एड्रेस एनवेलप, जिसपे की 30 रुपए की पोस्टल स्टैंप जो है वो आप लगा के भेजोगे, और जहां आपको अपना ये एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है उसकी डिटेल भी इन्होंने यहाँ पे बता रखी है। इसी बताए गए पते पर कैंडिडेट को 25/7/2022 शाम 5 बजे से पहले पहले अपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने होंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करें, और चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।